ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग टॉपिक। कोई को बोल दिया। पिछला टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हमने स्टार्टिंग टॉर्क निकाला था इंडक्शन मोटर के केस में, और फाइनली स्टार्टिंग टॉर्क को हम लोग डिराइव करके लाए थे। ठीक है, तो स्टार्टिंग टॉर्क का जो इक्वेशन था, सबसे पहले हम लोग टॉपिक पे आ रहे थे, दैट इज स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर, तो वहां हम लोगों ने कुछ इक्वेशन को देखा था। सबसे स्टार्टिंग में हम लोग जब आए थे, तो सबसे स्टार्टिंग में हमने एक रिलेशन निकाला था टॉर्क का सिर्फ, और वो क्या था, तो टॉर्क टॉर्क इज इक्वल टू के वन फाई आई टू कॉस फाई टू, ये हमारा इक्वेशन नंबर वन था। और अल्टीमेटली फिर हमने इक्वेशन नंबर टू को निकाला था इसे डिपेंडेंस इक्वेशन से इसी तरह से, और वो था के टू ई टू के टू ई टू आई टू कॉस फाई टू, ये हमारा इक्वेशन नंबर टू था। ठीक है, और फाइनली हमने स्टार्टिंग टॉर्क का इक्वेशन निकाला। स्टार्टिंग टॉर्क का इक्वेशन जब हम लोग डिराइव करके लाए, तो ये हमें मिला 3 बाई 2 पाई एनएस ई टू स्क्वायर आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर। तो ये हमें स्टार्टिंग टॉर्क का इक्वेशन मिला, जिसे हमने पिछले बार डिराइव किया था। और इससे हमें देखने के लिए मिला कि हमारा जो स्टार्टिंग टॉर्क है ना, वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग टॉर्क हमारा बहुत सारी चीजों पर डिपेंड कर रहा है। अब स्टार्टिंग टॉर्क का जो हमें इक्वेशन मिल गया, स्टार्टिंग टॉर्क का इक्वेशन तो मिल गया, लेकिन अब दोनों टाइप के इंडक्शन मोटर के केसेस में हम लोग देखेंगे कि इसका रिलेवेंस क्या है। ठीक है, यानी हम लोग स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के केस में भी देखेंगे, और फेज वाउंड रोटर वाले इंडक्शन मोटर यानी स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर के केस में भी हम लोग देखेंगे कि इसका रिलेवेंस क्या है। ठीक है, तो टॉपिक दे दीजिए, दोनों को इंडिविजुअली हम लोग देखेंगे। टॉपिक दे दीजिए, स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ अ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ अ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के केस में रोटर का जो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, यहां हम लोग देख रहे हैं ना कि यहां टॉर्क जो मिल रहा है वो रोटर रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। हम लोग देखेंगे एक एक करके दोनों टाइप के इंडक्शन मोटर में, यानी आपके स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में और स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर में, कि इस टॉर्क का स्टार्टिंग टॉर्क का जो इक्वेशन हमने डिराइव किया, और हमने देखा कि किन किन चीजों पर स्टार्टिंग टॉर्क डिपेंड करता है, इसका रिलेवेंस दोनों इंडक्शन मोटर के केस में क्या क्या है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो टॉपिक दे दीजिए, स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ अ स्क्वायरल केज मोटर। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे स्टार्टिंग टॉर्क स्क्वायरल केज मोटर के केस में क्या होगा, और क्या क्या असर होगा, और किस तरह से रिलेवेंट है ये जो इक्वेशन हमने डिराइव किया है। ठीक है, तो स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ अ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो अब जब दोनों मशीन को हम लोग देखेंगे ना, यानी इंडक्शन मोटर के दोनों टाइप को जो हम लोग देखेंगे, दोनों टाइप में खासकर कौन सा दोनों टाइप है आपका, आपको पता है एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है और दूसरा स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर है, जिसको फेज वाउंड इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे स्क्वायरल केज के केस में हम लोग देखेंगे, और इधर हम लोग फेज वाउंड रोटर या स्लिपरिंग रोटर के केस में, स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर के केस में हम लोग देखेंगे। ठीक है,
अब होता क्या है कि यहाँ पे आपका जो इक्वेशन आ रहा है टॉर्क का इक्वेशन जो हमने डिराइव किया है यहाँ पे, टॉर्क के इक्वेशन में जो रेजिस्टेंस है ये डेफिनेटली रोटर रेजिस्टेंस है आपका, ठीक है। तो दोनों के रोटर के नेचर पे हम लोग एक बार आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग गौर करें तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के रोटर रेजिस्टेंस के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो दो चीजें सामने आती है। पहला, इसका रेजिस्टेंस, एक बार ये मोटर डिजाइन हो गया, एक बार ये इंडक्शन मशीन डिजाइन हो गया तो इसका रेजिस्टेंस फिक्स हो गया। फर्स्ट चीज क्या है, इसका रेजिस्टेंस फिक्स हो गया। तो पहला केस क्या है कि यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस फिक्स हो गया, एक बार इंडक्शन मोटर को हमने डिजाइन कर दिया, एक बार इसका स्क्वायरल केज रोटर बन गया तो इसका रेजिस्टेंस फिक्स हो गया। अब स्क्वायरल केज रोटर में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्क्वायरल केज रोटर में कहीं से कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ना हम लोग ऐड कर सकते हैं ना रिमूव कर सकते हैं। यानी एक बार डिजाइन हो गया तो इसका रोटर रेजिस्टेंस जो है ना सबसे पहले वो फिक्स्ड हो गया, यानी कांस्टेंट वैल्यू हो गई, ठीक है। फिक्स्ड हो गया यानी कांस्टेंट वैल्यू हो गया ना, उसमें से आप कम कर सकते हैं ना ज्यादा कर सकते हैं, किसी भी तरह से इसको वैरी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है, अगर दोनों में कंपेयर करो ना, स्क्वायरल केज रोटर को और स्लिप रिंग रोटर को अगर हम लोग कंपेयर करें तो हम लोग देखेंगे कि इसका जो रोटर रेजिस्टेंस है ना वो बहुत स्मॉल है। इसके रोटर का जो रेजिस्टेंस है ना, स्क्वायरल केज के रोटर का रेजिस्टेंस, वो आपके वाउंड रोटर या स्लिप रिंग रोटर के मुकाबले बहुत कम है। क्यों ऐसा होगा? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के रोटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, क्यों बताइए, कोई रिप्लाई दीजिए। आवाज कट रही है फिर आरती तुम्हारी, और कोई बोलिए। हाँ हाँ चैट पे लिख दो, यस यस चैट पे लिख दीजिए। देखो ये समझो आरती, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, स्टार्टिंग टॉर्क के इक्वेशन में, स्टार्टिंग टॉर्क के इक्वेशन में आपको मिल गया ये, तो स्टार्टिंग टॉर्क कम है इसका मतलब ये कम है नहीं कहा जा सकता है, इसके वजह से ये है स्टार्टिंग टॉर्क। इन सारी चीजों से मिलके स्टार्टिंग टॉर्क बन रहा है, इन सारी प्रॉपर्टीज की वजह से आपका स्टार्टिंग टॉर्क बन रहा है, तो ये कहना गलत है कि स्टार्टिंग टॉर्क कम है तो ये कम होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस कम है तो उसके वजह से स्टार्टिंग टॉर्क कम है हम लोग कह सकते हैं। डिपेंडेंस इक्वेशन को समझो, रिवर्स नहीं समझो। हाँ एक आ रहा है लिखा हुआ कनक कुमारी का, एक मिनट चैट में आ रहा है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग कंडीशन में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, प्रॉपर रीजन पे आ जाओ, प्रॉपर रीजन पे, ठीक है। देखो यहां पे आ जाते हैं हम लोग वापस, है क्या, यहां पे दोनों को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को। पहला चीज ये तो सबको समझ में आ गया होगा कि एक बार स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर डिजाइन हो गया, उसका रोटर एक बार डिजाइन हो गया, ठीक है, सॉरी एक बार स्क्वायरल केज रोटर डिजाइन हो गया, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर डिजाइन हो गया, तो ये फिक्स स्ट्रक्चर हो गया। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग हेवली इसको वेल्डिंग करके, ब्रेजिंग करके टाइट स्ट्रक्चर हम लोग रोबस्ट स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसमें कहीं से भी रेजिस्टेंस ना ऐड कर सकते हैं ना रिमूव कर सकते हैं। तो एक चीज ये तो सबको समझ में आ गया होगा कि एक बार डिजाइन हो गया तो रेजिस्टेंस फिक्स हो गया, इसमें कोई वेरिएशन नहीं ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा चीज जो है, जब हम दोनों का रेजिस्टेंस कंपेयर करेंगे ना तो आपके स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का यानी स्लिप रिंग रोटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। रीजन क्या है कि यहाँ पे हम लोग मेटल बार्स यूज करते हैं, ठीक है, थिक मेटल बार्स हम लोग यूज करते हैं, हेवी मेटल बार्स यूज करते हैं। हेवी मेटल बार्स यानी थिक मेटल बार्स यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका बहुत ज्यादा है, ठीक है। मेटल बार्स है तो हम लोग जानते हैं R is equal to rho L by A, ठीक है। तो यहाँ हम लोग थिक मेटल बार्स यूज कर रहे हैं और कहाँ, यहाँ सुपर फाइन कंडक्टिंग वायर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। दोनों का एरिया अगर कंपेयर करो तो कहाँ कंडक्टिंग वायर का बहुत छोटा, बहुत स्मॉलर रेडियस और उसके करस्पॉन्डिंग एरिया, और कहाँ ये थिक मेटालिक बार, इसका एक अप्रिशिएबल एरिया, तो जाहिर है एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया तो रेजिस्टेंस आपका कम हो गया, क्लियर। और वही यहां पे क्या है, सुपर फाइन वायर्स है आपका, नॉर्मल वायर्स है, नॉर्मल वायर्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम है तो जाहिर है उसका रेजिस्टेंस हाइयर है। समझ में आया, ठीक है। तो इसलिए जब हम लोग कंपेयर करते हैं, चलो अगर बाहर से यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करने वाला चीज थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए भूल जाए ना, इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड इसमें तो खैर कर ही नहीं सकते हैं, इसमें भी अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं ऐड करें,
आपके नॉर्मल वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, और तब कंपेयर करें तो जाहिर है यहाँ हेवी मेटल बार्स है, थिक मेटल बार्स है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज्यादा है, रॉड्स हम लोग यहाँ यूज करते हैं, रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया जाहिर है सुपर फाइन क्रॉस सेक्शनल एरिया से बहुत ज्यादा होगा। जैसे मान लो इतना मोटा एक रॉड है या इससे भी मोटा एक रॉड है, ठीक है, तो रॉड जो है इसमें अगर सुपर फाइन कंडक्टिंग वायर जिससे हम लोग कॉइल बनाते हैं, जो आपका स्ट्रैंड रहता है, कभी भी किसी केबल को हम लोग छीलेंगे तो उसमें बहुत सारा स्ट्रैंड रहेगा, मल्टी स्ट्रैंड, तो मल्टी स्ट्रैंड इसमें कंपेयर कर लो हम लोग 100 तक स्ट्रैंड इसमें हटा सकते हैं। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, हो सकता है उसमें पतला वाला जो बारीक सुपर फाइन वायर है वो 100 तक हट जाए, तो जाहिर है दोनों के एरिया में मार्जिनल डिफरेंस है, अप्रिशिएबल डिफरेंस है, तो इसका एरिया बड़ा है इसलिए रेजिस्टेंस आपका इनहेरेंटली कम होगा, ठीक है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें रेजिस्टेंस का, रोटर रेजिस्टेंस का वेरिएशन तो हम लोग कर ही नहीं सकते, एक बार डिजाइन हो गया तो फिक्स हो गया। इसमें क्या है, तो आपका रेजिस्टेंस हाई भी है और प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड भी कर सकते हैं, ये दोनों में एक बहुत अंतर है जिसकी वजह से जाहिर है स्टार्टिंग टॉर्क में, दोनों के केस के स्टार्टिंग टॉर्क में फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए पहला पॉइंट आप लिख लीजिए, जो हमने पहला टाइप, हम लोग पहला टाइप देख रहे हैं स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ ए स्क्वायरल केज मोटर, तो आपका टॉपिक है स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ ए स्क्वायरल केज मोटर, उसमें पहला पॉइंट लिख लीजिए, द रेजिस्टेंस ऑफ ए, द रेजिस्टेंस ऑफ ए स्क्वायरल केज मोटर इज फिक्स्ड एंड स्मॉल, द रेजिस्टेंस ऑफ ए स्क्वायरल केज मोटर इज फिक्स्ड एंड स्मॉल, ठीक है, यानी ये दोनों चीजें आ रहा है, फिक्स भी और स्मॉल भी, इज फिक्स्ड एंड स्मॉल एज कंपेयर टू इट्स रिएक्टेंस, एज कंपेयर टू इट्स रिएक्टेंस विच इज वेरी लार्ज, ठीक है। तो ये हमने ये केस देखा यहां पे स्टार्टिंग टॉर्क स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के केस में। अब अगले वाले में आ जाइए, ठीक है, इसमें लिख लीजिए स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ ए स्लिप रिंग मोटर, स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ ए स्लिप रिंग मोटर, ठीक है। तो स्लिप रिंग मोटर के केस में स्टार्टिंग टॉर्क के बारे में हम लोग देख लेंगे, ठीक है, तो लिख लीजिए स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ सच अ मोटर इज इंक्रीज्ड बाय, is increased by improving its power factor. लिख लो, the starting torque of such a motor is increased by improving the power factor. या कर लो इंप्रूविंग इट्स पावर फैक्टर बाय एडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द रोटर सर्किट, बाय एडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द रोटर सर्किट फ्रॉम द स्टार कनेक्टेड रियोस्टैट, from the star connected rheostat, ठीक है। तो यहां हम लोग आ जाएंगे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यानी फेज वाउंड इंडक्शन मोटर के केस में, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यानी कि फेज वाउंड इंडक्शन मोटर के केस में हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो जाहिर है उसी इंडक्शन मोटर की तरह इसका भी स्टार्टिंग टॉर्क पुअर तो होगा, ठीक है, दोनों इंडक्शन मोटर है, आपका स्क्वायरल केज भी एक इंडक्शन मोटर है और स्लिप रिंग भी इंडक्शन मोटर है, तो यहां भी क्या होगा, करंट के बहुत हायर रहने के बावजूद, स्टार्टिंग करंट के बहुत हायर रहने के बावजूद स्टार्टिंग टॉर्क पुअर मिलता है। लेकिन इस केस में हमें पता है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्क्वायरल केज की तरह फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, आपका रोटर रेजिस्टेंस स्क्वायरल केज की तरह फिक्स्ड नहीं है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के केस में, यानी फेज माउंट रोटर के केस में हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करके रोटर रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और एक्चुअली में करते क्या है, रोटर रेजिस्टेंस
में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करके जो रेजिस्टेंस को रोटर रेजिस्टेंस की ओवरऑल वैल्यू को हम लोग इंक्रीज करते हैं, उसका मतलब है कहीं ना कहीं पावर फैक्टर को हम लोग इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, जो आपको दिखता है ना मैथमेटिकल इक्वेशन में दिखता है, जो आपको मैथमेटिकल इक्वेशन में दिखता है, जो मैथमेटिकल इक्वेशन में दिखता है कि कहीं ना कहीं रोटर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने से टॉर्क इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, जो आपको मैथमेटिकल इक्वेशन में दिखता है कि रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाने से टॉर्क इंप्रूव होता है, जिसको हम लोग कर सकते हैं फेज वाउंड रोटर में या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, तो एक्चुअली रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाने से ऐसा क्या हो जाता है कि टॉर्क इंप्रूव हो जाता है? यहाँ तो आपको मैथमेटिकल इक्वेशन से शो हो रहा है कि रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाने से आपका टॉर्क बढ़ जाएगा, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगा, लेकिन रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाने से ऐसा हुआ क्या कि आपका टॉर्क इंप्रूव हो गया? ठीक है, रीजन चाहिए ना, लॉजिक चाहिए ना। हमेशा हम कहते हैं कि मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग, ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग, यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट से जो हम लोग यूज करते हैं उसको सिर्फ आप तक पहुंचाने का एक जरिया, एक लैंग्वेज की तरह मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स अगर शो कर रहा है कि रेजिस्टेंस को इंप्रूव करने से आपका स्टार्टिंग टॉर्क इंप्रूव हो जाएगा, तो जाहिर है कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट होगा, कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का रूल होगा, कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फेनोमिनन होगा जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। तो ऐसा क्या हुआ रोटर रेजिस्टेंस के बढ़ाने से, आपके स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ाने से ऐसा क्या हुआ कि टॉर्क इंक्रीज कर गया? जो मैथमेटिकल इक्वेशन आपको शो कर रहा है उसके अंदर लॉजिक क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट क्या होगा जिसके वजह से रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ाने से आपको टॉर्क इंप्रूव हुआ मिलता है, क्या रीजन होगा? यस, पावर फैक्टर इंप्रूव कर जाता है। तो अल्टीमेटली हमें जो मैथमेटिक्स शो कर रहा है कि रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाने से फेज वाउंड रोटर के अंदर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करके अगर रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हमें टॉर्क इंप्रूव मिलेगा, ये मैथमेटिक्स शो कर रहा है। जैसे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट से हम लोग देखेंगे तो हमें पता है कि पावर ट्रायंगल क्या होता है, तो हमें पता है पावर ट्रायंगल हमारा ये होता है R2 X2 और ये आपका Z2। ठीक है, अब होता क्या है कि जहां उस तरह हम लोग वहां केस देखे थे स्पाइरल केज इंडक्शन मोटर केस में देखे थे, उसका जस्ट अपोजिट यहां पे होगा। यहां क्या कर रहे हैं, इसको बड़ा करते जा रहे हैं, R2 को इंक्रीज करते जा रहे हैं, यानी इसको बड़ा करते जा रहे हैं। इसको जितना बड़ा करेंगे, मान लो X2 की फिक्स वैल्यू, X2 की फिक्स वैल्यू ले लिए और R2 को बहुत बड़ा करते जा रहे हैं, R2 को बहुत बड़ा करते जा रहे हैं, तो नतीजा होगा R2 अगर बहुत बड़ा होते जा रहा है X2 के मुकाबले, तो ये जो एंगल phi 2 है, ये जो एंगल phi 2 है अब कम होता चला जा रहा है, यानी R2 की मैग्नीट्यूड को अगर बढ़ा रहे हैं तो phi 2 कम होता चला जा रहा है। phi 2 जितना कम होता चला जाएगा cos पे क्या फर्क पड़ेगा, यानी पावर फैक्टर पे क्या पड़ेगा, तो phi 2 अगर कम होता चला जा रहा है तो पावर फैक्टर इंप्रूव होता चला जा रहा है। क्लियर, यानी हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग R2 बढ़ा रहे हैं, R2 के बढ़ने से phi 2 क्या हो रहा है, phi 2 कम होता चला जा रहा है, और phi 2 कम हो रहा है तो cos phi 2 यानी हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये पावर फैक्टर को हम लोग इंप्रूव करने लगते हैं, ये पावर फैक्टर को हम लोग इंप्रूव करने लगते हैं, और पावर फैक्टर के इंप्रूव करने से हमारा टॉर्क इंप्रूव कर जाता है। ठीक है, तो आपको जो मैथमेटिक्स यहाँ शो कर रहा है ना कि रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे, कैसे बढ़ाएंगे, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस स्टार कनेक्टेड रियोस्टेट को ऐड करके, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करके रोटर रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे, तो मैथमेटिक्स आपको शो कर रहा है कि रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाने से आपका स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगा। तो कैसे बढ़ता है, तो रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ाने से आपका एंगल जो है, एंगल कौन सा, तो एंगल बिटवीन रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड रोटर करंट, जो एंगल है वो कम होने लगेगा, एंगल कम होने लगेगा तो पावर फैक्टर इंप्रूव करने लगेगा, और पावर फैक्टर इंप्रूव करने लगेगा तो स्टार्टिंग टॉर्क इंप्रूव करने लगेगा। तो इतना बेहतरीन रिलेशन आपको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ हमने अल्टीमेटली देखा कि रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ाने से अल्टीमेटली यहाँ क्या होता है, रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ाने से मैथमेटिक्स आपको यहाँ शो हो रहा है, मैथमेटिक्स इक्वेशन से मैथमेटिकल इक्वेशन से हम लोग देख सकते हैं कि रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ाने से हमारा स्टार्टिंग टॉर्क इंप्रूव हो रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हिसाब से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कंसेप्ट के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि रोटर रेजिस्टेंस के बढ़ाने से अल्टीमेटली हमारा एंगल बिटवीन द रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड रोटर करंट जो है, वो जो एंगल है वो कम हो रहा है, एंगल कम होने से हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव हो रहा है, और पावर फैक्टर के इंप्रूव होने से हमारा टॉर्क इंप्रूव होता है। ठीक है, तो इस तरह जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था, जो मैंने पहले आपको बताया था
कि किस तरह से रोटर में फेज वाउंड, अब जाहिर है स्क्वायरल केज के केस में तो आपका फिक्स है, स्क्वायरल केज रोटर स्टाउटली एक बार बन गया, ठीक है, रिजिडली एक बार ब्रेस कर दिया हमने उसे वेल्डिंग करके ब्रेश करके, तो जाहिर है उसमें कहीं से भी हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते हैं ना रिमूव कर सकते हैं, तो जाहिर है उसका तो फिक्स है। लेकिन यहाँ पे फेज वाउंड रोटर के केस में यानी स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर के केस में हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज करके स्टार्टिंग टॉर्क को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बढ़ा के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करके रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, और रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ाने की वजह से आपका टॉर्क इंप्रूव होता है, स्टार्टिंग टॉर्क इंप्रूव होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हमने पहले डिस्कस किया था वो कैसे होता है एक्चुअली में, वो चीजें हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। आगे लिख लीजिए, अगले पॉइंट में लिख लीजिए, अगले पॉइंट में लिख लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट भी कर दीजिए, द रोटर रेजिस्टेंस, या ऐसे लिख लो द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस काट दीजिए, ऐसे लिख लीजिए द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एडेड, द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एडेड इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ स्टार कनेक्टेड रियोस्टैट, स्टार कनेक्टेड रियोस्टैट इज प्रोग्रेसिवली कट आउट एज एज द मोटर गैदर्स, एज द मोटर गैदर्स स्पीड, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे जैसे मोटर स्पीड पकड़ने लगता है, ठीक है, यानी स्पीड अप होने लगता है जैसे जैसे मोटर, या जैसे जैसे रोटर का स्पीड बढ़ने लगता है, रोटर का आरपीएम एनआर बढ़ने लगता है, ठीक है, तो वैसे वैसे हम लोग धीरे धीरे उस रियोस्टैट से जो रेजिस्टेंस, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने ऐड किया था इन द फॉर्म ऑफ स्टार कनेक्टेड रियोस्टैट, उसको धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली हम लोग कट करने लगते हैं, यानी धीरे धीरे जैसे जैसे स्पीड गेन होता जाता है हम लोग रेजिस्टेंस को कम करते चले जाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्या रीजन हो सकता है बताइए। हाँ हाँ क्यों डिक्रीज हो जाएगा बताइए, क्यों डिक्रीज हो जाएगा, पावर फैक्टर तो इंप्रूव कर रहे हैं हम लोग इसमें, रोटर रेजिस्टेंस को अभी बताया ना कि रोटर रेजिस्टेंस को ऐड करने से एंगल कम होता है, एंगल के कम होने से पावर फैक्टर बढ़ता है, और पावर फैक्टर के बढ़ने से ही स्टार्टिंग टॉर्क इंप्रूव हो रहा है। हाँ अरे उसको क्यों कट करते हैं ये पूछ रहे हैं, क्यों कट करने लगते हैं, जब आपको पता है कि रेजिस्टेंस को ऐड करने से, जब आपको पता है कि रेजिस्टेंस को ऐड करने से एंगल कम होगा, एंगल कम होगा तो पावर फैक्टर इंप्रूव करेगा, पावर फैक्टर इंप्रूव करेगा तो आपको टॉर्क हाइयर मिलेगा, तो आपका तो फायदा है, क्यों रेजिस्टेंस को हम लोग कट करने लगते हैं फिर। Anyone try? हाँ बोलो normal? हाँ हाँ ठीक है, अब देख लीजिए समझ लीजिए यहाँ पे होता क्या है। देखो दो चीजें यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है, स्टार्टिंग कंडीशन में हम लोग टॉर्क को इंप्रूव करने के लिए जाहिर है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार कनेक्टेड रियोस्टैट। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करने से क्या हुआ, मान लो ये आपका रोटर रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ऐड कर दिए तो रोटर रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करने से रोटर रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ गया, यानी आर टू बढ़ रहा है, तो आपको दिख रहा है कि ये एंगल पहले बड़ा था अब ये एंगल छोटा होते जा रहा है, यानी एंगल छोटा हो रहा है, एंगल छोटा हो रहा है तो पावर फैक्टर बढ़ रहा है, पावर फैक्टर के इंक्रीज करने से आपका स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज कर रहा है, ये तो फायदा दिखा। लेकिन साथ ही सोचो रेजिस्टेंस को ऐड करने से, रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करके रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाने से क्या हो रहा है, तो आपको पता है कि आपका Z2 जो है वो अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर है, ठीक है, तो अगर रोटर रेजिस्टेंस को हम इंक्रीज कर रहे हैं, इसको हम बड़ा बना रहे हैं, यानी रोटर रेजिस्टेंस को हम इंक्रीज कर रहे हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करके, तो ये फैक्टर भी तो इंक्रीज हो रहा है, ये फैक्टर के इंक्रीज करने से आपका इंपीडेंस इंक्रीज कर रहा है,
इंपीडेंस के इंक्रीज करने से क्या होगा? तो आपको पता है ओम्स लॉ के हिसाब से कि E2 इज इक्वल टू Z2 I2, ठीक है? यानी I2 इज इक्वल टू E2 अपॉन Z2, तो ठीक है? तो यहां से हमें क्या दिख रहा है कि Z2 बढ़ रहा है, Z2 के बढ़ने से I2 डिक्रीज करने लगेगा, क्लियर? तो हम लोग डाल रहे थे रेजिस्टेंस कि हमारा टॉर्क बढ़े, और यहां आपको इस फैक्टर की वजह से टॉर्क हो सकता है कम होने लगे। तो अपना नतीजा क्या होता है, देखो पहले ध्यान से समझो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, ठीक है? हमने क्या किया कि स्टार्टिंग के कंडीशन में टॉर्क को इंप्रूव करने के लिए रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया, कैसे? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करके इन द फॉर्म ऑफ स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंस। फायदा क्या हुआ कि रेजिस्टेंस को ऐड करने से, रेजिस्टेंस के बढ़ने से हमारा एंगल, कौन सा एंगल? एंगल बिटवीन E2 एंड I2, एंगल बिटवीन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटर कंडक्टर्स एंड रोटर करंट, उसके बीच का एंगल कम होने लगा, एंगल कम होने लगा तो पावर फैक्टर बढ़ने लगा, पावर फैक्टर के बढ़ने की वजह से आपका टॉर्क इंप्रूव करने लगा, एक इफेक्ट ये हुआ। दूसरा इफेक्ट क्या होता है कि रेजिस्टेंस ऐड करने से कहीं ना कहीं आपका इंपीडेंस इंक्रीज कर जाता है, इंपीडेंस इंक्रीज करने की वजह से स्टार्टिंग करंट कम होने लगता है, जो आपका रोटर करंट है वो कम होने लगता है। शुरुआत में क्या होता है ना, शुरुआत में आप देखो दो असर है, एक असर, और शुरू कैसे हुआ सर? तो सारा असर शुरू हुआ इसके बढ़ने से, दो असर है और दोनों असर की शुरुआत हम लोग कैसे कर रहे हैं, इसको बढ़ा के। एक असर में क्या हो रहा है, एक असर में अल्टीमेटली पावर फैक्टर आके आपके टॉर्क को इंप्रूव कर रहा है, पावर फैक्टर आके आपके टॉर्क को इंप्रूव कर रहा है। दूसरा असर क्या हो रहा है, तो दूसरा असर क्या हो रहा है, दूसरा असर में करंट डिक्रीज करके टॉर्क को डिक्रीज करना चाह रहा है, ठीक है? दो अपोजिट इफेक्ट आपको दिख गया, दिख गया दो अपोजिट इफेक्ट, समझ में आ रहा है, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? ठीक है, तो इसको समझ लीजिए। स्टार्टिंग में देखो हम लोग कर क्या रहे हैं, स्टार्टिंग में एक ही चीज कर रहे हैं, रोटर रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करके। इसको इंक्रीज करने से दो इफेक्ट हो रहा है, पहला इफेक्ट पावर फैक्टर का बढ़ना जिससे टॉर्क का बढ़ना, पावर फैक्टर का बढ़ना जिससे टॉर्क का बढ़ना, और दूसरा इफेक्ट क्या है, दूसरा इफेक्ट आपके इंपीडेंस का बढ़ना जिससे करंट का कम होना, और करंट के कम होने से टॉर्क का कम होना। तो देखो दो असर दिख रहा है, इस रेजिस्टेंस के बढ़ाने से दो असर दिख रहा है, एक टॉर्क को इंप्रूव करना चाह रहा है और एक टॉर्क को डिक्रीज करना चाह रहा है, ठीक है? एक इफेक्ट टॉर्क को इंक्रीज करना चाह रहा है, एक इफेक्ट टॉर्क को डिक्रीज करना चाह रहा है। स्टार्टिंग के टाइम में क्या होता है, स्टार्टिंग के टाइम में ये इफेक्ट डोमिनेंट है इसके मुकाबले, दोनों असर है, दोनों अपोजिट नेचर का है, लेकिन देखना होगा कि कब कौन सा डोमिनेंट है, यानी किसका प्रभाव ज्यादा है, ठीक है? एक असर टॉर्क को इंप्रूव कर रहा है, एक असर टॉर्क को आपका डिक्रीज कर रहा है, एक असर टॉर्क को इंक्रीज कर रहा है, एक असर टॉर्क को डिक्रीज कर रहा है। देखना होगा हमें कि किस टाइम में किसका प्रभाव ज्यादा है। तो स्टार्टिंग के टाइम में इस इफेक्ट का प्रभाव ज्यादा होता है, ठीक है? स्टार्टिंग के टाइम में पावर फैक्टर के इंप्रूव होके टॉर्क के इंप्रूव होने का इफेक्ट ज्यादा होता है, लेकिन जैसे ही जब रनिंग कंडीशन में हम लोग आ जाते हैं ना, तो रनिंग कंडीशन में आने से क्या होता है, आपका रिएक्टेंस कम होने लगा, रनिंग कंडीशन में रिएक्टेंस कम होने लगा, क्योंकि एनआर बढ़ा तो स्लिप की वैल्यू कम होने लगी, स्लिप की वैल्यू कम होने लगी तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होने लगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होने लगी तो रिएक्टेंस की वैल्यू कम होने लगी। तो रनिंग कंडीशन में क्या होने लगता है, अब रनिंग कंडीशन में इसके मुकाबले ये ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है, समझ में आ रहा है? तो रनिंग कंडीशन में टॉर्क डिक्रीज होने लगता है इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वजह से, इसलिए हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काट देना पड़ता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को प्रोग्रेसिवली कट कर देना पड़ता है, समझ में आ रहा है? दो असर है रेजिस्टेंस के, रोटर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने से दो असर मिल रहा है, एक टॉर्क को इंप्रूव करना चाह रहा है, एक टॉर्क को डिक्रीज करना चाह रहा है। स्टार्टिंग के टाइम में ये इफेक्ट डोमिनेंट है, इसका प्रभाव ज्यादा है, इसलिए हमें फायदा मिलता है, हमारा टॉर्क इंप्रूव कर जाता है, लेकिन रनिंग कंडीशन में ये इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है। क्यों डोमिनेंट हो जाता है, क्योंकि रिएक्टेंस कम होने लगता है, ये इफेक्ट डोमिनेंट होता है तो हमारा टॉर्क पुअर हो सकता है, टॉर्क को मेंटेन करने के लिए हमने जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड किया था उसको हमें धीरे धीरे कट करना पड़ता है। इज दैट क्लियर? Is that clear? Yes, sir. ठीक है? तो इसी चीज को अब लिख लीजिए, इसी चीज को अब लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए एडिशन ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एडिशन ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कॉमा दे दीजिए,
कॉमा के बाद लिखिए हाउएवर, हाउएवर के बाद एक और कॉमा दे दीजिए, इंक्रीजेस द रोटर इंपीडेंस एंड हेंस रिड्यूसेस द रोटर करेंट। ये वाले फैक्टर के बारे में बता रहे हैं कि रेजिस्टेंस ऐड करने से क्या होता है, रोटर इंपीडेंस इंक्रीज हो रहा है और रिड्यूस कर रहा है रोटर करंट को, ठीक है, रिड्यूसेस द रोटर करंट। फिर से बोल देते हैं, एडिशन ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हाउएवर इंक्रीजेस द रोटर इंपीडेंस एंड हेंस रिड्यूसेस द रोटर करंट, ठीक है। फुल स्टॉप देखिए उसी पॉइंट में, वही इंपॉर्टेंट पॉइंट का पार्ट है। एट फर्स्ट यानी शुरुआत में, एट फर्स्ट कॉमा ले लीजिए, द इफेक्ट ऑफ इंप्रूव्ड पावर फैक्टर, ये वाला असर, एट फर्स्ट द इफेक्ट ऑफ इंप्रूव्ड पावर फैक्टर, द इफेक्ट ऑफ इंप्रूव्ड पावर फैक्टर प्री डोमिनेट्स, तो शुरुआत में वो डोमिनेट करता है, उसका प्रभाव ज्यादा रहता है। एट फर्स्ट द इफेक्ट ऑफ इंप्रूव्ड पावर फैक्टर प्री डोमिनेट्स द करेंट डिक्रीजिंग इफेक्ट ऑफ इंपीडेंस, द करेंट डिक्रीजिंग इफेक्ट ऑफ इंपीडेंस, द करेंट डिक्रीजिंग इफेक्ट ऑफ इंपीडेंस। कॉमा देखे लिखिए, दस दस द स्टार्टिंग टॉर्क इज इंक्रीज्ड, दस द स्टार्टिंग टॉर्क इज इंक्रीज्ड बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम When the motor gains speed, when the motor gains speed, कॉमा देके, when the motor gains speed के बाद कॉमा देके, the effect of increased impedance, the effect of increased impedance predominates the effect of improved power factor, predominates the effect of improved power factor and thus the torque starts decreasing and thus the torque starts decreasing if the resistance is not cut out, if the resistance is not cut out progressively, is not cut out progressively. ठीक है, हाँ बोलो। हाँ हाँ कहाँ से छूटा है, आवाज कट रहा है, कहाँ से छूटा है बोलो। बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड इंपीडेंस, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड इंपीडेंस प्रीडोमिनेट्स द इफेक्ट ऑफ इंप्रूव्ड पावर फैक्टर एंड दस द टॉर्क स्टार्ट्स डिक्रीजिंग इफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज नॉट कट आउट प्रॉपरली
एंड प्रोग्रेसिवली प्रॉपरली एंड प्रोग्रेसिवली प्रॉपरली एंड प्रोग्रेसिवली